सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे सिम कार्ड लेने के लिए, और ये रहा एंसिल का सेंटर, आप देख पाएंगे। और यहाँ पे अपन आ गए हैं अभी सिम कार्ड लेने के लिए। इधर ये अलाउड नहीं है। अभी मैं हूँ थोड़ा सिप चौक के आसपास कहीं पे, और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मुझे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। मेरे पास एक्चुअली फ़ोटो था, बट वो फ़ोटो से फ़ोटो करके फ़ोटो बनाते हैं ना, मतलब फ़ोटो पर स्कैन करके फ़ोटो बनाते हैं, तो वो वाला फ़ोटो था। तो उन्होंने कहा कि ये वाला फ़ोटो क्लियर नहीं है, ये नहीं चलेगा। हालांकि वो क्लियर था, बट यहाँ पे नहीं चला। तो अब मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवाने के लिए यहाँ पे भटक रहा हूँ। दुकानें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ मुझे मिल नहीं रहा यहाँ पे। पता नहीं कहाँ पे बना पाऊँगा, शायद यहाँ पे कुछ हो पाए। अंकल, यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कहाँ पे बन सकता है? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कहाँ बनेगा अभी के पास? अभी हमने अपना फ़ोटो बनने के लिए यहाँ पे दे दिया, और मुझे पड़ रहा है यहाँ पे 4 फ़ोटो का 100 रुपये लगा लिए। कोई नहीं, अभी इमरजेंसी में चाहिए था तो चाहिए था। यहाँ से फ़ोटो लेके फिर जा रहा हूँ मैं सिम कार्ड लेने के लिए। सिम कार्ड में कुछ जो प्लान्स थे वो ऐसे थे कि मुझे 25 GB इंटरनेट मिलेगा, 28 दिन की उसकी वैलिडिटी है। साथ ही मैं 100 मिनट का शायद लोकल टॉक टाइम था, 50 रुपये मेन बैलेंस में। इसके अलावा 1000 रुपीज़ का वो था। इसके अलावा अगर मुझे डेटा ऐड ऑन करवाना है उसमें, तो मुझे मिलेगा 20 GB, हाँ 20 GB एडिशनल डेटा, और 20 GB एडिशनल का मुझे प्राइस पड़ेगा 399 रुपये। तो आप मान लीजिए कि 1400 रुपये में 45 GB डेटा, 50 रुपये मेन बैलेंस में, और कितना था, 100 मिनट का लोकल कॉल था। तो ये कुछ मुझे मिल रहा है, और मेन बैलेंस का मेरे लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि घर पे अगर बात करूँगा मैं मम्मी से, तो स्पेशली मुझे मेन बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी। और मम्मी से बात करना हर दिन कंपलसरी है। उन्होंने पहले ये क्या कही, उन्होंने भेजा है कि हर दिन अगर बात करोगे तो फिर ठीक रहेगा, और नहीं तो फिर घर पे ही रहो, क्योंकि अपन को उधर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मेन बैलेंस का पैसे चाहिए ही चाहिए। हे गाइस, अपनी जो फ़ोटो थी वो बन चुकी है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, और वापस से जा रहे हैं हम सामने वहाँ पर जहाँ पे एंसिल का शोरूम था। और एंसिल में जाके फिर अपन सिम लेते हैं। पहले मैं ज़्यादा रिचार्ज नहीं करवाऊंगा, 1000 रुपये वाला ही सिम लेता हूँ। 1000 रुपये का सिम लेने के बाद जब मैं वापस से, जब मुझे इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब मैं ले लूँगा। फिलहाल मैं 1000 रुपये का सिम ले लेता हूँ, और ऐड ऑन मैं अपना बाद में करवाता रहूँगा। तो चलते हैं सिम लेने के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ शहर है, आप देखिए ना, सफाई देखिए, आप खुद देखिए सफाई। ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट बिजी रोड है, शायद जनकपुर रोड है। मैं एक बार देख के बताता हूँ आपको, ये सिर्फ चौक टू जनकपुर रोड ही होगा ऑब्वियसली। मैं यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ कौन सा रोड है कहीं पे मुझे लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, बट ऑब्वियसली जनकपुर रोड ही होगा। और देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई कितनी अच्छी खासी है, मतलब प्लास्टिक आपको ना के बराबर मिलेगी यहाँ पे, जो कि सबसे अच्छी बात है। और अगर है भी तो लोग कोशिश करें कि प्लास्टिक को अवॉइड करें, तो प्लास्टिक को अवॉइड करने की कोशिश करें। एंड अच्छा लगता है देख के यार, जो अपना पड़ोसी कंट्री जो है वो इतने साफ़ सफाई से रह रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा फील होता है सर। और हम भी कोशिश करते हैं पूरी की मतलब उनसे कुछ सीखें, हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे मतलब सीखेंगे ऑब्वियसली, और एटलीस्ट अपने बिहार को तो क्लीन करेंगे। हे, कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? हमारा विवेक। विवेक, यहीं से आप? विवेक झा? नहीं, यादव। यादव, आप कहाँ से? इंडिया से। इंडिया से। अरे वाह, चैनल का नाम क्या है आपका? बीइंग नोमैडिक। ठीक है, हम सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हम सब भी ब्लॉग देखते हैं, सौरभ का, इसका, उसका, है ना। सौरभ का नाम क्या ब्लॉग का मतलब? बीइंग नोमैडिक। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सिम कार्ड लेने के लिए। वहाँ पे एक मेरे पास वहाँ पे कुछ भाई लोग मिल गए थे, उनको मैं बता रहा था कि आपका नेपाल कितना बढ़िया है, आपने कितने अच्छे से मेंटेन करा है। वो लोग भी कह रहे थे कि हाँ, मतलब कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वापस से आ गया हूँ मैं एंसिल सेंटर पे, और यहाँ पे सिम लेता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। सो मैं अपना खाना वगैरह फिनिश करने के बाद, बैग जहाँ पर रखा हुआ था, बैग लेने के बाद मैं आ चुका हूँ अभी जनकपुर के 0 माइल पर। और यहाँ से जो बस है, यहाँ से मैं बस लेके जा रहा हूँ इटहरी, और इटहरी से मैं जाना है मुझे विराटनगर। भैया ने कहा है कि विराटनगर डायरेक्ट बस जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा संदेह है कि विराटनगर जाए या ना जाए। तो अगर विराटनगर नहीं भी जाती है तो मैं इटहरी में उतर जाऊँगा, और इटहरी में उतरने के बाद वहाँ से मुझे इजीली मिल जाएगी बस विराटनगर के लिए। तो यहाँ से भी चलता है विराटनगर, और मैं दिखाता हूँ कि ये बस कैसा है। ये रही वो बस जिसमें मैं जा रहा हूँ एक्चुअली, और 2x2 सीटर है, और मैंने अपने लिए ये वाला सीट किया, उनकी मतलब यही सीट चाहिए अपने को, ये सीट खाली थी, तो इसलिए मैं विराटनगर यहाँ से 0 माइल से मैं इसलिए ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सीट होती है वो आपको सीट यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। और सीट के पर्पज़ से ही मैं यहाँ पे आया हूँ कि जो जो सीट मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, तो इसके पर्पज़ से मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी आपको दिखाता हूँ इस बस का वॉक कराऊँ, और जो मेरा
आपको पता होगा मेरे पास एक बड़ा वाला बैग, तो बड़ा वाला बैग पैक मैंने ऊपर रखवा दिया है एंड आशा करता हूँ कि वो सुरक्षित पहुँच जाएगा। बाकी बोला है उसको बांधना दिया गया ऊपर, अगर टूट गया रस्सी कोई भी जिससे बांधा गया शायद वो गिर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे घुमाव टर्न्स वगैरह आएंगे, देखते हैं क्या होता है, जो भी अच्छा ही होगा। जब मेरा जूता बच गया तो फिर वो बच ही जाएगा, मुझे पता है। जूते का मुझे बहुत टेंशन था, मैं जाकर उसको बार बार देख रहा था वहाँ पे मंदिर पे। और चलिए आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली ये रही वो आयशर की बस, ये रहा बस का नंबर प्लेट नीचे 9992। ये रहा वो 0। तो आपको अगर कहीं से भी आप नेपाल में अगर आप जनकपुर से कम्यूट करना चाहते हैं, तो अगर आप नेपाल में जनकपुर से कम्यूट करना चाहते हैं किसी भी शहर के लिए, किसी अदर शहर के लिए, तो बेहतर ये होगा कि आप यहीं पे आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको सीट मिल जाएगी एटलीस्ट। क्योंकि लंबे सफ़र में अगर आपको कंफर्टेबल सीट नहीं मिलती है, आगे वाली सीट नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप यहीं पर आ जाइए, यहीं से आपको सारी सीटें जिस जो भी सीट आप चाहेंगे वो मिल जाएगी आपको, क्योंकि सारी सीट खाली पड़ी थी। जब बस में अंदर बैठा था तो सारी ही सीट खाली पड़ी, अभी भी मैंने आपको दिखाया कोई नहीं है अभी बस में पैसेंजर। और करीब 20 या 25 मिनट में बस यहाँ से खुलने वाली है, तो बस खुलने के बाद मैं आपसे कॉर्डिनेट करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे आगे के इसी ब्लॉग में, आगे मिलता हूँ मैं आपसे। और जब मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा तो वहाँ पर पहुँचने के बाद ही ये ब्लॉग ख़त्म होगा। चले चलते हैं जनकपुर से विराटनगर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और हो चुकी है अभी मेरी सुबह। आप कहेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, पीछे क्या है, तो मैं अभी विराटनगर में ही हूँ। कल मैंने जो गाड़ी लिया था वहाँ पर जनकपुर से, बस थी मेरी, वो मुझे रात को विराटनगर छोड़ती है करीब 9:30 बजे के आसपास, और फिर वहाँ से मेरे लिए चीज़ें बहुत टफ होनी शुरू हो जाती है। विराटनगर जो है वो टोटली एक नॉन टूरिस्टिक प्लेस है, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ही कम आते हैं, ब्लॉगर्स जो हैं वो बहुत कम आते हैं। तो यहाँ पे रात को मैं गया था, और मैं बताऊँगा पहले कि रात को मैं यहाँ पे सोया हुआ था, आप देख सकते हो ये जो टेंट है, मैं इसी में सोया हुआ था। और ये भी मुझे बहुत मुश्किल से जगह मिल पाया, ये जो एक्चुअली जगह आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक पार्किंग का जगह है, और इसलिए मैं सुबह सुबह इसे खाली कर रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे जब आया था तो रात के करीब 9:30 बजे रात के 9:30 बजे के आसपास विराटनगर में उतरने के बाद, यहाँ से मैं जाता हूँ विराटनगर से, मैं जाता हूँ कुछ खाने के लिए वहाँ पे, फिर वहाँ पे खाना वाना कंप्लीट करने के बाद वहाँ से मैं निकलता हूँ कहीं पर ढूंढने के लिए एक लॉज। और जब मैं लॉज ढूंढने के लिए निकलता हूँ तो दो जगह पूछने पे मुझे मालूम पड़ता है कि लॉज में जो बेड्स हैं वो फुल है। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे एक अतिथि भवन करके हैं, जैन अतिथि भवन समथिंग, जो भी हो, धर्मशाला है एक्चुअली वो। तो वहाँ पे मैंने पता किया कि वहाँ पे कितना लग सकता है, क्या वहाँ पे बेड अवेलेबल है या वहाँ पे रूम अवेलेबल है। जब मैंने वहाँ पे पता किया तो बोला कि उनके पास जो मिनिमम फेयर है, मतलब मिनिमम चार्ज है, वो 1200 है, 1200 नेपाली। अब ये मेरे लिए मतलब एक हार्ट ब्रेकिंग काइंड ऑफ थिंग था, रात के करीब उस टाइम तक 11 बज रहे थे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसहार्टनिंग था। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो एक रास्ते में मुझे एक दीदी और भैया मिले, और एक्चुअली मैं उनसे किसी से भी आपको मिलवा नहीं पाया, क्योंकि कल का जो शेड्यूल था वो काफ़ी ख़राब था, और ऊपर से कि जो मैं फेस कर रहा था उस टाइम, मेरे बस का नहीं था कि मैं कैमरा निकाल के उस चीज़ को फेस करूं। तो फिर मैंने जो भी था कि मतलब अपने को कहीं पर रात भर रात गुजारनी है, ये सीन था अपने साथ। तो मैंने फिर उन दीदी भैया से कांटेक्ट किया, मतलब वो बगल से जा रहे थे एक्चुअली, मैं दुकान पे खड़ा था, उनसे दुकान वाले भैया से पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोकल हैं आप, इनसे पूछ लीजिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि मतलब भैया यहाँ पे कहाँ पे हो सकता है कैंपिंग वगैरह का कोई, या कोई पार्क वगैरह अवेलेबल हो, तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पे ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है एक्चुअली। वो मुझसे पहले पूछे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और फिलहाल मैं दिल्ली में रह रहा था काफ़ी टाइम से। तो बोले कि जो आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे दिल्ली टाइप का माहौल, और क्योंकि एक नॉन टूरिस्टिक है, जो उनके साथ दीदी के साथ जो भैया के साथ जो एक दीदी थी, तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि वेर आर यू गोइंग, वेर यू बिलोंग्स टू वगैरह, सब कुछ पूछे जब मेरे प्लान वगैरह के बारे में, तो मैंने उन्हें बहुत अच्छे से बताया। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन जो आपने शुरुआत करने के लिए शहर चूज़ किया वो बहुत ही गलत है। तो विराटनगर इज़ नॉट अ काइंड ऑफ टूरिस्टिक प्लेस, और यही होता है, ये सब दिक्कतें होती है जब आप एक नॉन टूरिस्टिक प्लेस को विजिट करते हैं। खैर कोई नहीं, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अब से दो चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी है, एक नॉन टूरिस्टिक सिटी में जो भी होनी चाहिए वो पहले से आप बहुत पहले प्लान कर लो सब कुछ, या फिर कोई अगर आपका स्पेशली आप काउ सर्फिंग कर लो, अगर नॉन टूरिस्टिक प्लेस में हो तो आप काउ सर्फिंग कर लो, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं
कि वहाँ पे ज़्यादा टाइम मत दीजिए, नॉन टूरिस्टिक प्लेस में ज़्यादा टाइम मत दीजिए, स्पेशली आपका जो रात है वो जो सिटी है सिटी के बाहर बताइए आप। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो आप सिटी के बाहर नाइट बताएं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, अदरवाइज आप काउंट सर्फिंग करिए रहने के पर्पज़ से। तो चलेगा, इस फिलहाल मैं इस कैंप को पैक कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ एक बार। मच्छर पूरा भर चुका था, रात भर कुत्ते भौंक रहे थे और मुझे कुत्तों ने सुनने नहीं दिया गाइस। मतलब एक बार मैं सो चुका था तो यहाँ पे कुत्ते आके ये चाट रहे थे यहाँ पे, और मेरा फेस था वहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट, तो मेरे फेस के बगल में आके वो चाट रहे थे एंड मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। अभी गाइस इसको पूरी तरह से पैक करते हैं एंड मिलता हूँ मैं आपसे। हेलो गाइस, अपनी अभी कैंपिंग को मैंने कर लिया है पैक अपने टेंट को, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ सिटी की तरफ। यहाँ से मैं जाऊँगा सबसे पहले इंडिया बॉर्डर पे, वहाँ पे मुझे एक एटीएम से कुछ पैसे विड्रॉ करने हैं, और पैसे विड्रॉ करने के बाद मैं देखूँगा कि यहाँ से मुझे भरान के लिए निकलना है या फिर आदमी से स्टे करना है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि आज मैं यहाँ पर स्टे करूँगा, बाकी मैं देखता हूँ कि क्या रहता है। बाकी आप ये देख लीजिए सुबह के टाइम का विराटनगर। वाह, मैं यही चाहता था। अपने बनारस में जब मैं गया था लास्ट टाइम, तो मैं बनारस में दिन में रात में मेरा घूमने का कोई पर्पस नहीं था, मैं बस सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के घूमना चाहता था। कि जब ये दुकान के शटर बंद रहते हैं ना, तो रास्ते देखने में अलग ही मज़ा आता है, रास्ते को देखने में। तो आप देख सकते हैं रास्ते की साफ़ सफाई यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी मेंटेन की गई है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है। और ये सुबह के बज रहे हैं, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हो रहे हैं सुबह के 6:01, और ये है नेपाल बैंक लिमिटेड। शायद ये जैसे हमारे नेपाल बैंक लिमिटेड में, शायद जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वैसे यहाँ पे NBL है, नेपाल बैंक लिमिटेड हो सकता है। बाकी नहीं, वो नेपाल राष्ट्र बैंक है एक्चुअली, ये कोई गवर्नमेंट बैंक है, बट दिस इज़ नॉट अ बैंकर्स बैंक। तो अभी अपने को ढूंढना है एक ऐसा जगह जहाँ पे हम पी सकते हैं चाय, राइट? तो अभी अपन पियेंगे चाय, और मैं रात के एक्सपीरियंस के बारे में आपसे ज़्यादा क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ही वियर्ड सा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। वहाँ पे जहाँ पे मैं रुका हुआ था वो एक पार्किंग था, और उस पार्किंग में अभी अब कुछ गाड़ियाँ आने वाली थी वहाँ पे। उन्होंने बोला था कि मतलब बगल में एक बिल्डिंग था, वो गवर्नमेंट ऑफिस था, तो वहाँ पे बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिस है यहाँ पे, तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सबकी जो गाड़ियाँ होती हैं वो वहाँ पे पार्क की जाती हैं। तो मुझे दीदी ने पहले बताया था, उन दीदी भैया लोगों ने पहले बताया था कि आप सुबह 7-8 बजे से पहले, या 8-9 बजे कहा था उन्होंने कि आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कोशिश कर देना छोड़ देने की। मैंने कहा डेफिनेटली, तो फिर मैंने सुबह 4:30 बजे की अलार्म लगाई, और मैं 12:30 1-1.5 बजे तक तो मैं सोया ही नहीं था। अब मैं टेंशन में कि मैं उठूंगा कैसे, क्योंकि पॉसिबिलिटी मुझे लग नहीं रही थी, फिर भी मैं वहाँ पे सोया कैसे भी करके। और जब जैसे ही मैं एक बार सोने के लिए गया था 12 बजे के आसपास, एक कुत्ता बगल से आके मेरा मुंह चाटने लगा, मतलब बगल में था वो मेरे फेस के पास अपना टंग लेके बाहर से कैंप चाटने लगा। अब मेरा वो दिमाग ख़राब, जो भी नींद आ रखी थी थोड़ी बहुत वो भी चली गई। तो यही सब सीन हुआ, कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं जो मैं आपको दिखाता कल, और मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी था और थका हुआ भी था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल मैंने करीब, आप यूँ मान लीजिए कि कल मैं पहले इंडिया से नेपाल आया, जनकपुर आया, फिर वहाँ से जनकपुर में पूरा सिटी घूमने के बाद फिर मैं वहाँ से विराटनगर आता हूँ, जो कि अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा दूर है, 240 किलोमीटर का राउंड पड़ता है वहाँ से, और रास्ते बहुत ख़राब थे, बीच में रास्ते बहुत ही ख़राब थे। ये सिटी के रास्ते तो बहुत अच्छे हैं, बट जो इनके कम्यूटिंग वाले रास्ते हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं जो शहर को कनेक्ट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बट जो सिटी के रास्ते हैं वो काफ़ी अमेजिंग है। और जो साफ़ सफाई इनके लोगों ने मेंटेन करी, मुझे कहीं पे एक चाय पीने को मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मैं देखता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से जोगबनी जाने के बाद ATM से पैसे विड्रॉ करने के लिए। तो गाइस अभी मैं आ रहा हूँ जोगबनी से मैंने कर लिया कुछ कैश विड्रॉ। अभी फिलहाल हूँ मैं यहाँ पे विराटनगर सिटी में, मेरी एक रिजर्वेशन आज की, आज मैं यहीं पर स्टे करूँगा। यहाँ पे एक होटल है लंदन हाउस रिजॉर्ट नाम से, तो वहाँ पे आज की मेरी रिजर्वेशन है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ अभी, और वहाँ पे जाने के बाद देखता हूँ क्या सीन रहता है, फिर मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पे जो भी होटल का व्यू वगैरह रहता है मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊँगा। वो होटल मैंने सिर्फ इसलिए रिजर्व किया क्योंकि वहाँ की जो व्यू थी वो काफ़ी अच्छी थी, और मुझे डील भी काफ़ी अच्छी मिल गई है, मैंने थोड़ा सा बार्गेनिंग किया और काफ़ी अच्छा सा प्राइस मुझे मिल गया। तो मैं बताता हूँ आपको वहाँ पहुँच के, तब तक के लिए आप वीडियो में अपडेटेड रहिए, और वहाँ पहुँचने के बाद मैं इस ब्लॉग को ख़त्म कर दूँगा उनसे बात करने के बाद, आपको सब कुछ बताने के बाद। फिलहाल जो मुझे मालूम पड़ा है वहाँ पे कि वो 1500 रुपीज़ लेंगे फॉर 12 PM to 12 AM के रिजर्वेशन के लिए, सॉरी 12 PM to 12 PM के रिजर्वेशन के लिए। और बाकी मैं देखता हूँ वहाँ पहुँचने के बाद और क्या अपडेट रहता है, और अभी आप वीडियो में बने रहिए, मैं मिलता हूँ आपसे। और ये देखिएगा विराटनगर सिटी,
मैंने यहाँ पे होटल सिर्फ इसलिए बुक किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और दिन टाइम दूँ, क्योंकि विराट नगर बहुत ही अच्छी सिटी है और टोटली अनएक्सप्लोर्ड है ये। विराट नगर को किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा एज सच। और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था तब भी, लेकिन बॉर्डर पर हर दिन आए दिन मैं देखता रहता हूँ कि बॉर्डर पर आए दिन वीडियोज बनते रहते हैं, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और मेरे प्लान में कुछ चेंजेस भी हैं, तो आज जब मैं होटल पे, मैं स्पेशली होटल इसलिए लिया हूँ ताकि मैं अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दे सकूँ और आगे की जो प्लान है वो मैं बना सकूँ। तो अभी चलते हैं आपसे और मुलाकात करते हैं होटल के पास। सो हे गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने होटल में और इस होटल का नाम है द लंडन हाउस रिजॉर्ट, लंडन हाउस रिजॉर्ट, और ये पड़ता है नेपाल के विराट नगर में। तो अगर आप विराट नगर में स्टे करते हैं, अगर आप विराट नगर में स्टे करते हैं कभी, तो आपको डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ही अमेजिंग है। हालांकि मैं रूम से उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट ये प्रॉपर्टी है ना वो अमेजिंग है, वो डेफिनेटली अमेजिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सबसे पहले तो ये रहा एंट्रेंस एरिया आपका, एंड यहाँ से फिर ये सामने, जैसे आप एंटर करेंगे तो सामने मिरर, एंड उसके बाद अब सामने उसको दिखाऊंगा मैं बाद में उधर। अब पहले आप ये बेड देख लीजिए, ये रहा बेड जहाँ पर मेरे सारे सामान बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा जो वॉशरूम है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये रहा पूरा वॉशरूम एरिया, काफ़ी हाइजीन है और काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है ये। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बाहर का है वो दिखाता हूँ मैं आपको। और ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि टेबल हो गया, ये कुर्सी हो गया, ये टेबल हो गया, ये सामने कुछ वहाँ पे कॉफ़ी पड़ी हुई है और दो ग्लासेस हैं। इसके बाद ये आलमीरा है, नीचे एक दराज है। इसके अलावा मैं दिखाऊंगा आपको कि आप बाहर का देखिए, आपको यहाँ से दिखाऊंगा मैं, ये देखिए और दिखाऊंगा अभी, आपने इस तरफ का देखा और अभी आप इस तरफ का देखिए। सी गाइस, हाउस रिजॉर्ट। तो गाइस बस इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, और तब तक के लिए बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुक्रिया।